गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक, जिसे टॉपिक कहाँ से लिया हुआ है हम लोगों ने, तो डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन आती है, आप लोगों को ध्यान में होगा, डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन आती है, हर महीने में उसके दो इश्यूज पब्लिश होते हैं। तो वो डाउन टू अर्थ मैगजीन के जनवरी के फर्स्ट इशू का एक टॉपिक है लैंटाना कामारा करके, ठीक है। तो वो टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। डाउन टू अर्थ में अगर आप लोग देखोगे तो ये वाले टाइटल से वो टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि भाई डीप इन्वेजन इन्वेजिव ऑर्नामेंटल श्रब लैंटाना इज अल्टरिंग ट्रेड्स फास्ट स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि ये टॉपिक के बारे में, जैसे थोड़ा बहुत आपको ध्यान में लग जाएगा ये टॉपिक कि भाई एनवायरमेंट सब्जेक्ट से ये टॉपिक लिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं न्यूज़ में क्यों है ये चीज़, ठीक है, कि भाई वाई इन न्यूज़। तो न्यूज़लाइन ये मेंशन की हुई है कि लैंटाना कामारा बिहेव्स लाइक अ श्रब इन वैलिड एरियाज एंड लाइक अ क्रीपर इन फॉरेस्ट एरिया, बस इतनी ही न्यूज़लाइन है, ठीक है। तो कभी कभार यूपीएससी डायरेक्ट न्यूज़लाइन ही उठा के पूछ लेता है कि भाई दिस स्पीशी बिहेव्स लाइक वॉट इन दिस एरिया एंड वॉट इन दिस एरिया, ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज़ न्यूज़लाइन है, ध्यान में रखिएगा कि लैंटाना कामारा बिहेव्स लाइक अ श्रब इन वैलिड एरियाज एंड लाइक अ क्रीपर इन फॉरेस्ट एरिया। तो क्या है इसके बारे में ये सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं लैंटाना कामारा स्पीशी के बारे में। तो जैसे ये इमेज देख के आपको थोड़ा बहुत बचपन की यादें ताज़ा हुई होगी, जैसे ये कुछ छोटा सा पौधा है और इस पर कुछ सुंदर से फूल लगे हुए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ बच्चों ने ये चीज़ें बचपन में देखी होगी, आपके प्लेग्राउंड के बाहर, आपकी सोसाइटीज़ के बाहर, आपके स्कूल एरिया के बाहर, या फिर रास्ते में कहीं पर साइड पे ये ऐसा पौधा होगा वो आप लोगों ने देखा होगा जिसपे अलग अलग कलर्स के फूल लगते हुए हैं, ठीक है। तो ये स्पीशी की बात यहाँ पे हो रही है जिसका टेक्निकल साइंटिफिक नेम है लैंटाना कामारा करके, ठीक है। तो क्या है ये स्पीशी के बारे में, तो कहाँ पाई जाती है सबसे पहले, तो ये स्पीशी तो ये स्पीशी जनरली अफ्रीकन एरिया में और उसके बाजू में, जैसे बीच में यहाँ पे अपना आता है अटलांटिक ओशन, बीच में आएगा आपका अटलांटिक ओशन और उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ये वाले रीजन में जनरली ये स्पीशी पाई जाती है लैंटाना कामारा करके, ठीक है। तो ये रीजन में पाई जाती है। अब हुआ ऐसा था कि 1800 सेंचुरी के दौरान जब इंडिया में ईस्टर्न पार्ट से लोग आ रहे थे, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एक्सेट्रा लोग आ रहे थे, तब पोर्टुगीज लोग 1800 सेंचुरी में इसको इंडिया में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया एज अ ऑर्नामेंटल श्रब, ठीक है, एज अ ऑर्नामेंटल श्रब, जिसमें दो वर्ड आपको दिखेंगे, ऑर्नामेंटल एंड श्रब। ऑर्नामेंटल दैट इज फॉर अ ब्यूटी पर्पज, ठीक है। तो फॉर अ ब्यूटी पर्पज इन लोगों ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। श्रब, दूसरी बात आती है श्रब की, तो भाई श्रब क्या है, तो तीन चीजें आपको यहां पे थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए कि अगर प्लांट के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, ये तीन मेजर चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ऑर्नामेंटल श्रब, तो भाई हब, श्रब एंड ट्री, ये तीन टेक्निकल टर्म आपको ध्यान में होने चाहिए। तो भाई हब की इसको बोलते हैं कि मोस्टली ऐसा प्लांट, ठीक है, जिसकी हाइट जनरली लेस देन 1 मीटर है, ठीक है, जिसका ग्रीन स्टेम रहता है, उसका वूडी स्टेम नहीं रहता। अगर कोई बड़े से पेड़ को देखोगे तो उसका स्टेम वूडी रहता है, इसका जनरली ग्रीन स्टेम रहता है, ठीक है, और हाइट जनरली 1 मीटर से छोटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हब। दूसरा आता है श्रब, जिसकी हाइट 1 से लेकर 6 मीटर तक की रहती है, ठीक है, श्रब की, जिसका वूडी स्टेम हो सकता है और होता है जनरली, ठीक है, जिसका वूडी स्टेम होता है, दैट इज श्रब। एंड ट्री विच इज़ जनरली मोर देन 6 मीटर इन हाइट,
ठीक है, जिसमें सारे पार्ट्स वेल डेवलप्ड होते हैं, आपका ट्रंक हो गया, ब्रांचेज हो गए, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, हब श्रब एंड ट्री, जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं श्रब नाम है उसका, लैंटाना कामारा, दैट इज ऑर्नामेंटल श्रब। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हो गई लैंटाना कामारा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भाई इशू क्या है। ठीक है, पहले मैंने जनरली आपको एक न्यूज़ लाइन बताई कि ये कुछ एरिया में किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कुछ एरिया में किस और तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जानी कि भाई लैंटाना कामारा के बारे में, कि भाई कहाँ से ओरिजिन था, क्या था क्या नहीं, एट प्रेजेंट में ये क्यों इशू में है। ठीक है, एट प्रेजेंट ये क्यों इशू क्रिएट कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स है जो एट प्रेजेंट उसके इशू दिखा रहे हैं। जैसे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की हम लोग बात करें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में ऐसा बोला गया है कि ये वाली स्पीशी ने इंडिया में 9793 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, इंडिया में ये स्पीशी ने कुछ 9793 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया अपने अंडर में कवर कर लिया है। तो ये एक पहला इश्यू है। दूसरा इशू ये है कि जैसे आगे बोला गया कि ये इन्वेड कर रही है, इन्वेजिव स्पीशी है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कुछ टोटल 28 जितनी इन्वेजिव स्पीशी देखी जाती है इंडिया में। ठीक है, 28 जितनी प्लांट की इन्वेजिव स्पीशी देखी जाती है। तो वो सारी 28 स्पीशी मिलके जितना एरिया कवर कर चुकी है इंडिया में, उतना एरिया ये अकेले लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है कि भाई 28 स्पीशी जितना एरिया कवर कर रही है उतना ही अकेली स्पीशी ने कवर कर लिया है। उसके बाद इश्यू ये है कि 1997 में, ठीक है, 1997 में वेस्टर्न घाट के रीजन में इसका कवरेज पूरे वेस्टर्न घाट का अगर देखें तो 4% जितना एरिया लैंटाना कामारा के अंडर में था। और एट प्रेजेंट मतलब 2018 में उस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ये वाली स्पीशी ने वेस्टर्न घाट का करीब करीब 47% ऑफ एरिया कवर कर लिया है। तो भाई बहुत ही एक्सपेंशनल ग्रोथ देखा गया है कि भाई 97 से लेकर 2018 तक 4 से लेकर 47% तक ये बढ़ चुका है। तो ये इशू है। उसके बाद है इशू कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है, ठीक है, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 44% जितना ये वाली स्पीशी कवर कर चुकी है, उतनी जगह पे ये स्पीशी ने इन्वेड कर दिया है। तो भाई यहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रही है कि भाई इन्वेड कर दिया इन्वेजिव स्पीशी है। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा कि भाई ठीक है, इन्वेजिव स्पीशी है ये। इन्वेजिव स्पीशी किसको बोलते हैं, जनरली उसका पूरा टर्म है इन्वेजिव एलियन स्पीशी। इन्वेजिव एलियन स्पीशी किसको बोलते हैं कि कोई ऐसी प्लांट या एनिमल की स्पीशी जो वहाँ की लोकल नहीं है, ठीक है, वहाँ की लोकल नहीं है, कहीं और से उस नेचुरली आई है या फिर एंथ्रोपोजेनिक मोड से वो वहाँ पर लाई गई है। तो जो वहाँ की नहीं है, बाहर से लाई गई है, ऐसी स्पीशी जो वहाँ आके वहाँ की लोकल स्पीशी को थ्रेट क्रिएट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजिव एलियन स्पीशी। इन्वेजिव मतलब वो वहाँ पे आके इन्वेड कर रहा है, किसको इन्वेड कर रहा है, वहाँ की लोकल स्पीशी को इन्वेड कर रहा है। एलियन स्पीशी, एलियन दैट इज़ वो बाहर से लाई गई है। ठीक है, तो ये लैंटाना कामारा हमारी एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। ठीक है, तो भाई ये जो हम लोगों ने इश्यू देखे कि भाई ये सारे इश्यूज़ ने क्रिएट करके रखा है कि भाई 9000 जितना स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया कवर करके रखा है, बाकी 28 स्पीशीज जितना उसका एरिया है वेस्टर्न घाट में, उसका ग्रोथ बहुत ही स्पीड से हो रहा है और इतना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया उसने कवर कर लिया है। तो भाई ऐसा इश्यू क्यों देखा गया, ऐसा तो क्या उस क्या उसमें अलग है ये वाली स्पीशी में कि उसने इतना सारा इश्यू क्रिएट कर दिया। तो उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ये प्लांट की, लैंटाना कामारा प्लांट की। ठीक है, तो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। फर्स्ट इज एडेप्टिव मॉड्यूलेशन, सेकंड इज एक्सपांड क्लाइमेटिक नीश, एंड थर्ड इज फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये सारे इशू क्रिएट कर रही है। ये क्या है, पहला है एडेप्टिव मॉड्यूलेशन। उसका मतलब क्या कि ये स्पीशी को, लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी को, जहाँ भी ईजी एनवायरनमेंट मिल रहा है, ईजी एनवायरनमेंट मीन्स के क्या कि जहाँ भी वो उसको ग्रो करने का ईजीली मौका मिल रहा है कि भाई न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है, आजू बाजू कोई ऐसी स्पीशी नहीं जिससे वो कॉम्पीट कर रही है, उसको पानी भी मिल रहा है, उसको धूप भी अच्छी मिल रही है,
सारे फैक्टर ऑफ ग्रोथ उसके लिए इजीली अवेलेबल है। सबसे पहले वो वहाँ पे जाके इन्वेड करेगा, ठीक है, सबसे पहले वो वहाँ पे जाके इन्वेड करेगा, ये उसकी स्पीशी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसी वाली कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव मॉड्यूलेशन। तो लैंटाना कैमरा नाम की स्पीशी प्राइमरली ऐसे एरिया में फूलती फलती है जहाँ पे उसको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, दैट इज़ एडेप्टिव मॉड्यूलेशन। ठीक है, वो स्पीशी वहाँ पे रह जाएगी, बहुत टाइम तक रहेगी, अच्छे से ग्रो करेगी, फैलेगी, ठीक है, एडेप्टिव मॉड्यूलेशन वाला फेज़ उसका ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड फेज आएगा, दैट इज एक्सपांड क्लाइमेटिक निश। उसके बाद वो अपनी क्लाइमेटिक निश को एक्सपांड करेगी। उसका मतलब क्या है वो जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ये वर्ड कि भाई निश क्या है। ठीक है, तो एनवायरमेंट के स्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई निश, निश क्या है। तो कोई भी स्पीशी का यूनिक फंक्शनल रोल, ठीक है, कोई भी स्पीशी का यूनिक फंक्शनल रोल जिसको हम लोग बोलते हैं निश, वो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ठीक है, चाहे वो उसके हैबिटेट के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो उसके फूड के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो उसके रिप्रोडक्शन करने की मेथड के कॉन्टेक्स्ट में है एक्स वाई जेड, चाहे वो उसके क्या बोलते हैं माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट में वो स्पीशी का वो फंक्शनल रोल यूनिक है। यूनिक दैट मीन्स के क्या, वो कोई भी स्पीशी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी नीश। ठीक है, एक दो एग्जांपल अगर उसके देखें तो शायद आपने मोनार्क करके बटरफ्लाई का नाम अगर सुना हो, ठीक है, मोनार्क करके एक बटरफ्लाई का नाम है, उसकी नीश मतलब उसकी खासियत, उसकी यूनिक फंक्शनल रोल क्या है। तो भाई ये बटरफ्लाइज जनरली, ये अपना हो गया कनाडा वाला रीजन, सॉरी ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसमें यूएसए एंड नीचे मैक्सिको। ठीक है, तो कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ये तीन ये लाइन में है। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई की स्पीशी जनरली कनाडा और मैक्सिको के बीच में माइग्रेट करते रहती है। ठीक है, वो करीब करीब 4000 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है, और एक बटरफ्लाई के लिए इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, तो मोनार्क नाम के बटरफ्लाई की ये नीश है कि भाई वो कनाडा के सदर्न बाउंड्री से लेके मैक्सिको तक पूरा माइग्रेट करके जाता है, कोई भी पर्पस है, चाहे उसको वहाँ जाके रिप्रोड्यूस करना हो, खाना लेना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, बट ये इसकी नीश है जो ऐसा कोई भी बटरफ्लाई में नहीं पाया जाता। तो ऐसे एक दो और एग्जांपल आप कमेंट में लिखिएगा कि कोई भी स्पीशी की नीश क्या है। ठीक है, तो एक एरिया में एडेप्टिव मॉड्यूलेशन वाले फेज के बाद वो एक बार सेटल हो जाता है लैंटाना कैमरा, उसके बाद वो अपनी नीश को एक्सपांड करना चालू करता है। ठीक है, और वो जाता है ये वाले फेज में, दैट इज़ कॉल्ड फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है कि भाई अपने जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपने कॉमन उसके जो भी गुणधर्म है ये वाली स्पीशी के, उसको चेंज करके वो नए एनवायरनमेंट में जा रहा है और अपने कैरेक्टरिस्टिक नए एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल रहा है कि सपोज़ कि यहाँ पे उसके लिए एनवायरनमेंट वन था जहाँ पे वो ए बी सी कैरेक्टरिस्टिक को लेके चल रहा था, बट अब उसको जाना है एनवायरनमेंट टू में। ठीक है, अब उसको जाना है एनवायरनमेंट टू में, कोई और जगह पे। ठीक है, तो वो डेवलप करेगा सी डी और ई, अलग अलग टाइप के अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा।